हेलो डियर स्टूडेंट्स यू ऑल आर वेलकम्ड इन आवर टुडेज ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश एंड माई डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू रीड थर्टीन लेसन ऑफ आवर इंग्लिश रेनबो बुक एंड नेम ऑफ आवर लेसन इज प्लैनेट्स रॉल कॉल दिस इज़ अ पोएम और ये पोएम बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है फुल ऑफ नॉलेज है क्योंकि ये पोएम हमें एक सिर्फ छोटी सी पोएम के माध्यम से आठों प्लैनेट्स की जानकारी देती है सूर्य से आठों प्लैनेट्स की क्या दूरी है इसके बारे में हमें ज्ञान होता है और भी कई बातें जो कि ग्रहों के बारे में हैं हमें इस पोएम के बारे में पता चलेंगी तो चलिए बच्चों मिल इस पोएम को पढ़ा जाए लेकिन उससे पहले कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो कि जब हम पोएम पढ़ेंगे तो ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स हमारे सामने आएंगे तो अगेन हम लोग इनका मीनिंग याद कर लें ताकि पोएम समझने में हमें आसानी होगी तो पहला है एक्सप्लोर एक्सप्लोर मीन्स खोजना जाइब जाइब मजाक को कहते हैं टिल्टेड यहाँ बच्चों आपको ध्यान देना है ये टिल्टेड है टिल्टेड मीन्स झुका हुआ हेवन हेवन स्वर्ग को कहते हैं स्पॉट होता है दाग तो बच्चों चलिए मिलके अब हम पोयम को पढ़ें चलिए बच्चों पढ़ पढ़ी जाए यहाँ आप लोग देख सकते हैं आपकी पोयम लिखी हुई है एट प्लैनेट्स अराउंड द सन सूर्य के चारों ओर आठ प्लैनेट हैं आठ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं लिसन एज आई कॉल ईच वन सुनो मैं प्रत्येक को पुकारता हूँ ईच वन प्रत्येक को मर्करी हेयर नंबर वन पहले स्थान पर कौन सा ग्रह है कौन सा प्लैनेट है मर्करी जिसको कि बुध ग्रह भी कहते हैं क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन और ये सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है वीनस हेयर नंबर टू नंबर टू पे दूसरे स्थान पर शुक्र ग्रह है वीनस ग्रह है शाइनिंग ब्राइट जस्ट लाइक न्यू और ये सबसे चमकीला ग्रह है ये चमकदार है और ऐसा लगता है जस्ट लाइक न्यू ये बिल्कुल नया हो अर्थ हेयर नंबर थ्री तीसरे स्थान पर अर्थ है पृथ्वी है अर्थ इज होम टू यू एंड मी और ये अर्थ ये पृथ्वी आपका और मेरा घर है मार्स हेयर नंबर फोर चौथे स्थान पर कौन सा ग्रह आता है मार्स ग्रह आता है जिसे क्या कहते हैं मंगल ग्रह कहते हैं रेड एंड रेडी टू एक्सप्लोर और ये ग्रह कलर में रेड है लाल रंग का है एंड रेडी टू एक्सप्लोर एक्सप्लोर क्या होता है खोज करना और ये खोज के लिए तैयार है जुपिटर हेयर नंबर फाइव पांचवें स्थान पे जुपिटर है जुपिटर मीन्स बृहस्पति ग्रह है लार्जेस्ट प्लैनेट डैड स्नो जाइव और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट मीन्स सबसे बड़ा जितने भी आठों ग्रह हैं उनमें सबसे बड़ा ग्रह है डैड स्नो जाइव और ये कोई जाइव नहीं है कोई मजाक नहीं है सेटर्न हि नंबर सिक्स छठे स्थान पर सैटर्न है शनि ग्रह है विद रिंग्स ऑफ़ डस्ट एंड आइस डेट और इसके चारों ओर आपने भी देखा होगा एक चक्र की तरह बना हुआ है वो रिंग किस चीज की बनी होती है बच्चों डस्ट धूल मिट्टी की और आइस बर्फ की बनी हुई होती है इसलिए यहाँ क्या कहा गया है विद रिंग्स ऑफ डस्ट एंड आइस डेट मिक्स ये धूल मिट्टी और बर्फ के से बने हुए रिंग से रिंग इसके चारों तरफ है यूरेनस हियर नंबर सेवन यूरेनस जो है वो सातवें स्थान पर है अ प्लैनेट टिल्टेड हाई इन हेवन ये प्लैनेट टिल्टेड है मीन्स थोड़ा झुका हुआ है और ये हाई हाई इन हेवन और ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है नेपट्ट्यून हियर नंबर एट आठवें स्थान पे नैप्टून है विद वन डार्क स्पॉट हु साइज इज़ ग्रेट इस पर एक डार्क स्पॉट है और इसका साइज भी बहुत बड़ा है मीन्स आकार भी बहुत बड़ा है तो बच्चों ये थी हमारी पोएम और या इस पोएम में बहुत ही सुंदर तरीके से आठों ग्रह के बारे में जानकारी दी गई है आठों ग्रह कि क्या विशेषता है उसके बारे में एक एक करके बताया गया है इसमें आपके ये सब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी हैं तो आप इस पोयम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे साथ ही साथ इसमें आपको जो नॉलेज मिली है उसको भी लिखेंगे और याद भी करेंगे जैसे सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है सूर्य के मरकरी है फिर हमने क्या पढ़ा कि सबसे ल, ए, कलर में लाल रंग का ग्रह कौन सा है मार्स है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बच्चों जुपिटर है तो इस तरह से करके आप ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा बच्चों आपने पोयम पढ़ ली आपको समझ आ गया है अब इस पोयम के क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं बताइए बच्चों कितने हैं एट प्लैनेट्स हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे देयर आर एट प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन कौन सा प्लैनेट सन के नज़दीक है क्लोज है कौन सा है मरकरी जिसको क्या कहते हैं बुध मरकरी इज द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लेनेट किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है तो कौन सा है मार्स मार्स इज नोन एज द रेड प्लैनेट अगला है विच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जुपिटर जिसे क्या कहते हैं बृहस्पति जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है वाट आर सैटर्न्स रिंग मेड ऑफ आपने सेटर्न की पिक्चर देखी जब हम लोग लेसन पढ़ रहे थे उसके चारों तरफ रिंग बना हुआ है वो रिंग किस चीज़ का बना हुआ है सैटर्न रिंग आर मेड ऑफ डस्ट एंड आइस वो किसका बना है धूल और बर्फ का बना हुआ है नाउ सिक्स क्वेश्चन है हाउ मच टाइम डू द सन्स रेज टेक टू ट्रेवल फ्रॉम द स्पेस टू द अर्थ कितना टाइम लगता है सूर्य की किरणों को धरती में धरती पर पहुंचने में तो दे टेक एट मिनट्स एंड ट्वेंटी सेकेंड्स टू ट्रेवल फ्रॉम स्पेस टू द अर्थ कितना समय लगता है बच्चों आठ मिनट बीस सेकेंड का समय लगता है नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन है हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच स्पेस स्पेस में जाने वाला सबसे पहला आदमी कौन था यूरी गागरिन वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच इन द स्पेस वर्ड पावर के क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि फर्स्ट हमारा फेलिंग द ब्लैंक्स है और फिर नेक्स्ट जो है वो हमारा कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनको अरेंज करके हमें प्लेनेट्स के नेम यहाँ पे बनाने हैं तो हम पहला करते हैं पहला है कि आपको यहाँ पे थ्री फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हैं इनमें आपको अपने प्लेनेट और आपका प्लेनेट क्या है अर्थ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भरनी है फिल करनी है और आपने पोयम में भी पढ़ा है तो चलिए देखा जाए द नेम ऑफ माय प्लेनेट इज आपके प्लेनेट का क्या नाम है अर्थ फिर बी है अर्थ इज़ डैश प्लैनेट फ्रॉम सन सन से कौन से नंबर पर है थर्ड नंबर पर माई प्लैनेट इज बिटवीन डैश एंड डैश कौन कौन से प्लैनेट्स के बीच में आपका प्लैनेट स्थित है वीनस और मार्स के बीच में आपका प्लैनेट स्थित है नाउ सेकेंड पे आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे रीअरेंज द लेटर्स टू गेट द नेम ऑफ ऑल प्लैनिट्स सभी प्लैनेट्स के नाम हमें इन जो जम्बल्ड ऑर्डर में ये जो लेटर्स हमको दिए गए हैं इनको रीअरेंज करके हमें प्लैनेट्स के नाम यहाँ सेट करने हैं तो पहला हमारा बनेगा मरकरी, दूसरा वीनस तीसरा अर्थ है फिर मार्स जुपिटर सैटर्न, यूरेनस नेपट्टून तो बच्चों ये था हमारा लेसन और हमारी पोयम जो कि आपने पढ़ी और होप कि आपको क्वेश्चन आंसर सब कुछ बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा और बच्चों इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि इसको बहुत आपको ध्यान से पढ़ना है और इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बहुत से बन रहे हैं तो उनको आपको याद भी करना है और ये सारे क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में लिखें उन्हें अच्छे से पढ़ें और याद करें तो चलिए बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में ने अगले लेसन के साथ मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू